हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आजकल सबके मन में यही एक सवाल है कि कोरोना काल कब तक रहेगा, कब तक हम यूं ही अपने घरों में बंद रहेंगे। तो फ्रेंड्स बस इसका एक ही जवाब है कि जब तक हमें कोरोना का इलाज नहीं मिल जाता तब तक ये कोरोना यूं ही बरकरार रहेगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि हर बीमारी का दो ही विकल्प होता है, वैक्सीन और मेडिसिन, तो कोरोना के इलाज का भी यही दो ही विकल्प है, वैक्सीन और मेडिसिन। तो अगर फ्रेंड्स आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, इसके पहले आप वैक्सीन के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन आजकल न्यूज़ के बारे में सुन रहे न्यूज़ में इसके बारे में सुन रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के माध्यम से वैक्सीन क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, ये हमें रोगों से कैसे बचाता है, इसके बारे में आप आसानी से सब कुछ समझ जाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि वैक्सीन और मेडिसिन में क्या अंतर होता है, और वैक्सीन के बारे में समझ जाने के बाद हम देखेंगे कि विश्व भर में कोरोना के लिए किस प्रकार की वैक्सीन बनाई जा रही है। तो अलग अलग देशों की वैक्सीन जो है अलग अलग प्रकार की है, तो पूरे विश्व में लगभग 4 प्रकार की कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है। तो यानी इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कौन सा देश कौन सी प्रकार की वैक्सीन बना रहा है और कौन सा देश है जो वैक्सीन बनाने के काफ़ी करीब पहुँच गया है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी और इसे बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेली 4 से 5 हज़ार लोगों की मृत्यु हो जा रही है, इसके बाद भी अभी तो कोरोना का वैक्सीन नहीं आया है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आखिरकार लोग ठीक कैसे हो रहे हैं, जब कोरोना की वैक्सीन नहीं है, कोरोना की मेडिसिन नहीं है, तो फिर लोग ठीक कैसे हो रहे हैं। इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन देखेंगे, यानी ये वो मेडिसिन है जो पहले किसी और वायरस की बीमारी के लिए प्रयोग की जाती थी, लेकिन अब वो कोरोना के लिए प्रयोग की जा रही हैं। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कि दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, पहले किस बीमारी के लिए प्रयोग की जाती थी और कोरोना में ये कितनी मददगार साबित हो रही हैं। उसके बाद एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में भी जानेंगे कि ये कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, ये कोरोना के पेशेंट को कैसे ठीक करता है और ये कितना मददगार है कोरोना के पेशेंट को ठीक करने में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वैक्सीन और मेडिसिन में अंतर क्या होता है। तो मेडिसिन कोई रोग हो जाने के बाद उसे ठीक करती है, जबकि वैक्सीन क्या है, रोग होने नहीं देती। जैसे कि अगर हम कोरोना का एग्जाम्पल लें तो मेडिसिन कब काम आएगी, जब किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है, और वैक्सीन जब अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे कोरोना ना हो तब उसे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वैक्सीन की। यानी वैक्सीन लग जाने के बाद कोई व्यक्ति अगर ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है जिसे कोरोना हुआ है तो उस व्यक्ति को कोरोना नहीं होगा, यानी वैक्सीन क्या करता है, हमें कोई रोग होने नहीं देती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि वैक्सीन और मेडिसिन में क्या अंतर है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऐसी क्या खास बात है इस वैक्सीन में कि ये किसी रोग को होने से हमें बचा लेती है। तो आइए अब यही हम देखते हैं कि वैक्सीन किस जादू का नाम है। तो इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा जानना होगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती हैं। तो एंटीजन यानी कोई भी बाहरी पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हमें क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटीजन। तो इसे एंटीजन में वायरस भी आता है, बैक्टीरिया भी आता है और कोई पॉइजन भी आता है, यानी कोई विष जैसे स्नेक का विष, तो ये सब क्या है, एंटीजन। यानी कोई भी भारी पदार्थ जो हमारे शरीर में चला जाता है और फिर उसके बाद हमारे शरीर को नुकसान हो जाता है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। तो इसकी तुलना आप किससे कर सकते हैं, आतंकवादियों से। जैसे कि आतंकवादी क्या है कि हमारे देश में घुस जाते हैं, फिर हमारे देश में तबाही मचाते हैं, लोगों की हत्या करते हैं या फिर ब्लास्ट कर देते हैं। तो एंटीजन की तुलना हम क्या कर सकते हैं, आतंकवादियों से कर सकते हैं, यानी घुसपैठिया। तो यानी इस एंटीजन को हम घुसपैठिया भी कहते हैं। और एंटीबॉडी क्या होती है, यानी एंटीबॉडी वो पदार्थ होती है जो हमारे शरीर के अंदर होती है, ये क्या करती है, ये एंटीजन को पहचान लेती है और इसके पहले कि ये हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाए इसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। यानी एंटीबॉडी क्या करते हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, किससे, एंटीजन। यानी हम एंटीबॉडी की तुलना किससे कर सकते हैं, पुलिस से कर सकते हैं, सिपाहियों से या सेना से कर सकते हैं। जैसे सेना क्या करती है कि जब कोई आतंकवादी हमारे देश में इंटर करता है तो सेना या पुलिस उसको क्या करती है, उसको मार डालती है,
और इससे क्या होता है कि हमारे देश में जो आतंकवादी नुकसान करते, चाहे किसी की हत्या करते, चाहे बम ब्लास्ट करते हैं, वो नहीं हो पाता। तो सेम चीज़ हमारी बॉडी में कौन करता है, एंटीबॉडी। तो इस तरीके से आपको एंटीजन और एंटीबॉडी समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम समझते हैं कि वैक्सीन क्या होता है। तो हम पोलियो का वैक्सीन लेकर के समझते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि 1 से 5 साल तक के बच्चे को, या मतलब कुछ महीने से लेकर के 5 साल तक के बच्चे को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है। तो पोलियो का जो ओरल ड्रॉप पिलाया जाता है वो एक्चुअल में पोलियो की वैक्सीन ही होती है। तो उसमें होता क्या है, उसमें पोलियो वायरस होता है और वाटर होता है। यानी अगर किसी चीज़ की हमें वैक्सीन बनानी है, चाहे कोरोना की बनानी है चाहे चेचक की बनानी है, तो हम उसका वायरस लेते हैं, उसमें वाटर या कोई भी लिक्विड ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, वैक्सीन बन जाती है। और जो वो ये वायरस होता है वो इनएक्टिवेटेड होता है। अब इसका मतलब, इनएक्टिवेटेड का मतलब क्या होता है, यानी इस वैक्सीन से अब क्या होगा, देखिए देखते हैं। तो इन वायरस जो होता है वो इनएक्टिवेटेड होता है, यानी ये जब व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो वो क्या करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वायरस क्या होता है, या तो डेड होता है या तो इनएक्टिवेटेड होता है। तो ये अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेगा और न ही व्यक्ति के शरीर में जाकर के रोग फैलाएगा। माने कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया है, ये ओरल ड्रॉप पिया है, मान लेते हैं एक बेबी है जिसने ओरल ड्रॉप पिया हुआ है, तो अब क्या होगा कि ये पोलियो का वायरस उसके शरीर के अंदर गया जो इनएक्टिवेटेड है। लेकिन बॉडी क्या करेगी, बॉडी पहचान लेगी कि हाँ पोलियो का वायरस आया हुआ है, और उसके अगेंस्ट में बॉडी में अंदर ढेर सारे एंटीबॉडी बन जाएंगे। तो अगर फिर यह बेबी कभी ऐसे बेबी के संपर्क में आता है जिसको पोलियो हुआ हो, तो क्या होगा, ये उससे निकल करके कुछ वायरस इसके शरीर में आ जाएंगे। लेकिन इसके शरीर में क्या है, ढेर सारे एंटीबॉडी पहले से उपस्थित हैं, तो ये क्या करेंगे, उस पोलियो के वायरस को किल कर देंगे और यह व्यक्ति क्या होगा, पोलियो से सुरक्षित हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है वैक्सीन। यानी वैक्सीन क्या करता है, आपकी आपके शरीर में ढेर सारी एंटीबॉडी बना देता है, जिससे कभी अगर वायरस का या बैक्टीरिया का अटैक होता है तो वायरस और बैक्टीरिया से पहले कि अपनी संख्या में वृद्धि कर पाएँ, आपके शरीर को कुछ नुकसान पहुंचा पाएँ, वो मार दिए जाते हैं। तो इस तरह से काम करता है आपका वैक्सीन। तो फ्रेंड, इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन क्या होता है। तो वैक्सीन, जिस भी हमें बीमारी का वैक्सीन बनाना होता है उसका क्या होता है, पैथोजन। वो पैथोजन जीवाणु भी हो सकता है और विषाणु भी हो सकता है। ये कैसे काम करता है, ये हमारे शरीर में ढेर सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है, और एंटीबॉडी क्या करते हैं, कोई भी बाहरी पदार्थ एंटीजन हो उसको किल कर देते हैं। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि वैक्सीन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो वैक्सीन, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोरोना की किस प्रकार की वैक्सीन बन रही है। तो इस प्रकार हमने देखा वैक्सीन क्या है। वैक्सीन एक जीव के शरीर या उसके किसी भाग का उपयोग करके बनाया गया एक द्रव है, जिसके प्रयोग से शरीर के किसी विशेष रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये सिंपल सी परिभाषा है वैक्सीन की। आइए अब हम देखते हैं कि 4 टाइप ऑफ वैक्सीन ऑफ कोरोना। तो विश्वभर में कोरोना की 4 प्रकार की वैक्सीन बन रही है। तो आइए हम देखते हैं कि उन सब में क्या अंतर है, और कौन सी प्रकार की वैक्सीन कौन सा देश प्रोड्यूस कर रहा है, और कितनी जल्दी वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो पहला है नॉन रेप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन। इसको बना रहा है सिनोवैक बायो लिमिटेड कंपनी, बायोटेक लिमिटेड कंपनी ऑफ चाइना। तो चाइना की एक कंपनी है सिनोवैक, ये नाम याद रखना है कौन सी कंपनी बना रही है और कौन सा देश बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, नॉन रिप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन। देखिए, ये वही सेम वैक्सीन है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। यहाँ नॉन रिप्लिकेटिंग का मतलब ये है कि ये वायरस यानी कोरोना के लिए बनाया जा रहा है, तो कोरोना का जो हम वायरस लेंगे वो क्या होगा, इनएक्टिवेट होगा, वो डेड होगा। तो यानी अब वो डेड होगा तो शरीर में जाएगा तो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेगा। तो इसी को हम कहते हैं नॉन रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करना। और हमारा नेक्स्ट है लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। इसको बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में तैयार हो रहा है यूएसए के सहयोग से। तो ये देखिए, ये क्या है, इससे थोड़ा सा अलग है। किस मामले में, यहाँ हम जो वायरस ले रहे हैं वो डेड ले रहे हैं, जबकि यहाँ जो ले रहे हैं वो हम लाइव ले रहे हैं। तो इसमें अंतर क्या पड़ेगा कि यानी ये वायरस जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा वैक्सीन के थ्रू, और क्या करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि भी करेगा, यानी डबल होगा, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 12, और
लेकिन रोग नहीं फैलेगा। क्यों? क्योंकि हम जो वायरस लेते हैं वो उसको क्या करते हैं, बहुत वीक कर देते हैं। यानी जो हम वैक्सीन में वायरस इस्तेमाल करते हैं उसकी वायरुलेंस कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ही रिड्यूस होती है। मतलब उसको रोग फैलाने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। वो वायरस बहुत ही कमज़ोर होता है, इसीलिए शरीर में जाने के बाद वो अपनी संख्या में वृद्धि करेगा लेकिन कोई रोग नहीं फैलाएगा। और हमारी बॉडी को पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में कोई एंटीजन आ गया है और इस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बन जाएगी। और एंटीबॉडी क्या करेगी, अगर फिर कभी फ्यूचर में कोरोना वायरस का अटैक होता है तो उसको क्या कर देगी, उस वायरस को सचमुच किल कर देगी। तो आइए हम नेक्स्ट समझते हैं mRNA बेस्ड वैक्सीन क्या होता है। इसको बना रहा है USA। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा DNA और RNA क्या होते हैं। तो DNA जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, जबकि RNA क्या है, RNA का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो इन दोनों को ही हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, RNA और DNA को ही हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और यह RNA जो होता है वो बना होता है DNA से। यानी DNA जो है वो बेसिकली तीन प्रकार के RNA बनाता है। यहाँ हम mRNA कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो DNA से mRNA बनता है और mRNA से प्रोटीन्स बनती है। और यह प्रोटीन्स जो है प्रत्येक जीव में पाई जाती है। ये प्रत्येक जीव का कोई ना कोई भाग जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। तो DNA से mRNA और mRNA से प्रोटीन्स बनी होती हैं। आइए हम थोड़ा सा वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद हमें mRNA बेस्ड वैक्सीन जो है एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये है कोरोना का वायरस। तो इसमें पाया जाता है मेम्ब्रेन्स प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, इनवलोव प्रोटीन एंड RNA। तो कोई भी वायरस हो वो बेसिकली दो चीज़ से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड जिसमें DNA और RNA दोनों आते हैं। तो जो वायरस है उसमें किसी किसी वायरस में RNA पाया जाता है तो किसी वायरस में DNA पाया जाता है। तो यहाँ आपको वायरस, कोरोना वायरस के केस में स्पेशली क्या याद रखना है, जो ये वायरस है इसमें जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिए कि वायरस जो कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। तो यानी जो भी वायरस होते हैं उसमें दो ही पदार्थ पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब या तो RNA या तो DNA, और जो दूसरा पदार्थ है वो है प्रोटीन्स। तो आप ये भी इस वायरस में भी देख सकते हैं, दो ही चीज़ है, प्रोटीन्स और RNA। तो जो इसका स्पाइक होता है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, तो ये जो है वो प्रोटीन्स की बनी होती है और इसी के थ्रू जो है वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वायरस है और ये क्या कर रहा है कि और हमारा जो ये सेल है, ये हमारा पूरा सेल है और इस सेल के अंदर क्या है, वायरस एंटर करने की सोच रहा है। तो हमारे सेल में इसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि इस स्पाइक से, आप ये देख रहे हैं ये वायरस का स्पाइक है, ये सब, तो ये स्पाइक है वायरस के। तो वायरस क्या करता है, अपने स्पाइक के थ्रू इस रिसेप्टर से अटैच होता है और फिर क्या होता है, स्पाइक जो है एक प्रकार की प्रोटीन सीक्रेट करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो सेल्स होती है, सेल की आउटर कवरिंग जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो जाती है, यानी गल जाती है, घुल जाती है। और वायरस का मेम्ब्रेन और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है घुलकर एक में मिल जाते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि वायरस हमारे शरीर के अंदर आ जाता है और उसकी जो स्पाइक है वो बाहरी रह जाती है। और फिर आने के बाद स्पाइक की जो ये आउटर लेयर है, यानी जो इसकी कैप्सिड होती है, आउटर लेयर के वायरस को हम उसकी कैप्सिड कहते हैं। और जो बीच का जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल हमारे शरीर में क्या होता है, फ्री हो जाता है। और फिर ये क्या करता है, RNA से फिर ढेर सारे RNA बनेंगे। और फिर ये RNA क्या करेगा, अपने लिए प्रोटीन बनाएगा। और फिर क्या करेंगे, RNA और प्रोटीन मिलकर के फिर से वायरस बना लेंगे। यानी वायरस की एंट्री जो होती है वो मेनली इस स्पाइक के कारण होती है। यानी ये स्पाइक ही जो है एक एंजाइम सीक्रेट करता है, जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या हो जाती है, वो डिजॉल्व हो जाती है। और फिर वायरस क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर चला आता है। तो यानी अगर कुछ हम ऐसा करें कि इसकी ये स्पाइक ही नष्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, वायरस तो हमारे शरीर के अंदर चला तो आएगा लेकिन वो हमारे सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। और सेल के अंदर नहीं जा पाएगा तो उसका जो RNA है वो फ्री नहीं होगा।
तो अरण्य क्या होता है कि अक्षर से अलग होगा और अलग होने के बाद ही क्या करता है, अपने लिए अरण्य और फिर अपने लिए प्रोटीन्स बनाता है। यानी अगर ये हमारे सेल के अंदर ना आए तो क्या करेगा, अपनी शरीर संख्या में वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो आइए अब इतना आपको समझ में आ गया तो अब हम आसानी से समझ जाएंगे कि mRNA बेस्ड वैक्सीन क्या होता है। तो देखिए mRNA बेस्ड वैक्सीन, तो हमने देखा कि जो वायरस की स्पाइक है वो प्रोटीन्स की बनी होती है। तो हमने प्रोटीन्स का, जब हमें पता चल गया प्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन है, तो प्रोटीन के थ्रू हमने क्या पता लगा लिया कि उस अगर ये प्रोटीन है उसको बनाने वाला जरूर से ये आरएनए रहा होगा। तो यानी प्रोटीन के थ्रू हमने क्या पता लगा लिया कि जो प्रोटीन्स है वो किस आरएनए से बनी होगी, क्योंकि हमने बताया कि प्रोटीन्स क्या होती है, वो आरएनए से बनी होती हैं। जैसे कि कोई चीज़ होता है बनाने के लिए उसको एक सांचे की ज़रूरत होती है, तो हमें क्या होगा चीज़ पता चल गया तो हमने पता लगा लिया कि वो किस सांचे से बनी होगी, यानी उसका आरएनए कैसा रहा होगा। तो हमने क्या किया, उसका आरएनए बना लिया यानी एमआरएनए। तो यही क्या है, वो एमआरएनए है, यानी जिससे क्या होती है वायरस के लिए वो प्रोटीन बनती है जो उसका स्पाइक बनाती है। यानी हम सरल शब्दों में कह सकते हैं ये वो एमआरएनए है जो क्या करती है, वायरस की स्पाइक प्रोटीन बनाती है। अब हमने स्पाइक प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बनाने वाला एमआरएनए कौन है उसको आइडेंटिफाई किया, और हमने क्या किया प्रयोगशाला में उस एमआरएनए को बना लिया। यानी एमआरएनए ये क्या करेगा, वो वही प्रोटीन बनाएगा जो स्पाइक की प्रोटीन में होती है, स्पाइक प्रोटीन होती है। ठीक, अब इस एमआरएनए को क्या करते हैं, व्यक्ति के शरीर में डालते हैं। अब देखिए अब ये क्या करेगा कि अगर ये एमआरएनए मान लीजिए किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर गया, ठीक, अब ये एमआरएनए क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद ये स्पाइक प्रोटीन का निर्माण करेगा। यानी वही प्रोटीन जो ये वायरस के शरीर में बनाता था, अब ये वही प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के अंदर बनाएगा। तो यानी ऐसी प्रोटीन जो अभी तक ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं बन रही थी, अब वो प्रोटीन बनने लगी, तो हमारा शरीर क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है। तो उस प्रोटीन्स के अगेंस्ट यानी उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी। और इन फ्यूचर अगर कभी वह वायरस यानी कोरोना वायरस के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, तो कोरोना वायरस अगर हमारे शरीर में इंटर करता है तो इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है इसके अगेंस्ट जो है पहले से ही हमारे शरीर में क्या है, एंटीबॉडी है। तो जैसे ही वायरस हमारे शरीर में इंटर करेगा इसकी स्पाइक प्रोटीन क्या है, ये सब नष्ट हो जाएंगी, ये पूरा स्पाइक ही इसका नष्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन्स का बना हुआ है और इस प्रोटीन के अगेंस्ट हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी है। तो जब ये स्पाइक नष्ट हो जाएगा तो हम जानते हैं कि ये स्पाइक ही जब किसके थ्रू संपर्क में आता है, सेल वॉल के संपर्क में आता है, तो उसको क्या कर देता है, अपने एंजाइम्स निकालता है, और इसके एंजाइम्स क्या होते हैं, सेल वॉल को डिजॉल्व कर देते हैं, यानी उसको क्या करते थे, घोल करके नष्ट कर देते हैं। तो अब अगर स्पाइक ही नहीं रहेगा तो ना तो स्पाइक है, तो ना फिर एंजाइम का सिक्रीशन भी नहीं होगा, और एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी या सेल वॉल जो है वो नष्ट भी नहीं होगी और वायरस एंटर भी नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन क्या है। यानी हम इसमें क्या करते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यानी पूरा का पूरा जीव या वायरस जो भी कह लीजिए उसको नहीं लेते, बस उसका जो स्पाइक बनाने वाली प्रोटीन है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको बनाने वाला एमआरएनए कौन रहा होगा, वही एमआरएनए हम प्रयोगशाला बनाते हैं, और फिर वह व्यक्ति जिसको वैक्सीन की ज़रूरत है उसके शरीर में डाल देते हैं, और फिर यह एमआरएनए क्या करता है, व्यक्ति के शरीर में जाकर के स्पाइक प्रोटीन बनाता है, जिससे व्यक्ति के शरीर को लगता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, जिससे होता क्या है कि फ्यूचर में अब अगर कोरोना वायरस या कोई भी वायरस सचमुच अटैक कर दिया तो वह एंटीबॉडी क्या करती है, उस स्पाइक को, उसके स्पाइक को नष्ट कर डालती है। तो जब स्पाइक नष्ट हो जाता है तो स्पाइक से एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता, तो जब एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नष्ट नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब नष्ट नहीं होती तो वायरस इंटर नहीं कर पाता, और जब वायरस इंटर नहीं कर पाता तो क्या होता है, उसकी कैप्सिड भी क्या होती है, नष्ट नहीं होती, और उसका जो जीनोम है यानी उसका आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में फ्री नहीं हो पाता, और जब वो साइटोप्लाज्म में फ्री नहीं हो पाता तो क्या करता है, वो आरएनए ढेर सारी अपनी आरएनए कॉपी नहीं बना पाता, अपनी प्रोटीन नहीं बना पाता, तो
और यानी इस तरह से क्या करता है कि वो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाता है, क्योंकि क्योंकि वायरस क्या करते हैं, हमारे सेल के अंदर जाते हैं, फिर जो उसका आरएनए रहता है वो ढेर सारे अपने लिए आरएनए बनाता है, फिर प्रोटीन्स बनाती है, आरएनए और प्रोटीन कैप्चर कर आरएनए और प्रोटीन मिल करके ढेर सारे वायरस बना लेते हैं। तो ये आरएनए, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आरएनए क्या हो रहा है, फ्री नहीं हो पा रहा है, जिसकी आरएनए क्या हो रहा है, सेल में इंटर नहीं कर पा रहा है, और इसकी थ्रू ये आरएनए क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल हमारे सेल के अंदर नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ढेर सारे आरएनए और अपने लिए ढेर सारे प्रोटीन्स नहीं बना पा रहा है, और इस तरह से इसकी वृद्धि क्या है, वो रुक जाती है। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि नॉन रेप्लिकेटिंग वेक्टर वैक्सीन क्या होता है, लाइव एलिन्यूटेड वैक्सीन क्या होता है, और एमआरएनए वेस्ट वैक्सीन क्या होता है। तो आइए अब हम देखते हैं डीएनए वेस्ट वैक्सीन, यानी ये भी क्या है, उसी तरह है जैसे एमआरएनए वेस्ट वैक्सीन है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि पूरा ऑर्गेनिज्म यूज नहीं करते, इसमें हम क्या कर देते हैं कि जीन्स लेते हैं, जिसे कोरोना का बनाना है तो कोरोना के लिए हमने क्या लिया, कोरोना का जीन्स केवल ले लिया। जीन्स क्या होता है, डीएनए का पार्ट होता है, यानी डीएनए के पार्ट्स को ही हम क्या करते हैं, जीन्स कहते हैं। तो हमने जीन्स ले लिया और होस्ट बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको डाल दिया, किसके थ्रू, वैक्सीन के थ्रू। तो अब क्या करेगी, होस्ट सेल प्रोड्यूस प्रोटीन ऑफ वायरल जीन, तो यानी वह प्रोटीन अब जो पहले वायरस के अंदर बनती थी वो अब व्यक्ति के शरीर में बनने लगेगी। क्यों, क्योंकि डीएनए से मैंने बताया था कि आरएनए बनता है और आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन बनता है, क्योंकि अब व्यक्ति के शरीर में वायरस का डीएनए है तो अब वायरस का प्रोटीन भी बनने लगेगा। तो हमारी बॉडी तुरंत पहचान जाएगी कि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर आ गया है, तो क्या करेगी, उसके शरीर एंटीबॉडी बनाने लगेगी, और फिर से फिर क्या होगा, इन फ्यूचर अगर वो वायरस सचमुच हमारे बॉडी में इंटर करता है तो एंटीजन पहले से मौजूद है उसको किल करने के लिए। तो यानी इस तरह से हमने चार प्रकार की वैक्सीन क्या हुए आसानी से समझ लिया है, और ये भी देखा कि उन्हें कौन सा देश बना रहा है। तो इसमें से जो है चीन है, वो इस समय वैक्सीन बनाने में सबसे आगे है, यानी अगर सबसे जल्दी किसी देश की वैक्सीन आ सकती है तो वो चीन की है, क्योंकि ऐसे बहुत से कंट्री हैं जो अभी फर्स्ट स्टेज में हैं अभी वैक्सीन बनाने में, और चीन जो है वो सेकेंड स्टेज में आ गया है। तो इस तरह से फ्रेंड हमने चारों प्रकार की वैक्सीन को अच्छे से समझा, ये भी देखा कि कौन सा देश किस प्रकार की वैक्सीन बना रहा है, उसमें क्या अंतर है। तो इस समय जो चाइना है वो इन सबसे आगे है, यानी चाइना का जो वैक्सीन है वो सेकेंड स्टेज में पहुंच गया, और बाकी जितने भी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं उनका जो वैक्सीन है वो अभी फर्स्ट स्टेज में है, यानी चाइना का वैक्सीन उम्मीद है कि सबसे पहले आ सकता है। तो ये फर्स्ट स्टेज क्या होता है, सेकेंड स्टेज क्या होता है, वैक्सीन बनाने में कितना समय लगता है, कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना प्लीज़ मत भूलिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके लिए प्लीज़ आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।